Everyone, my name is Karen. 오늘은 저희가 치킨 티카를 만들 거예요. 네, 일단 재료. Everyone, आज Karen की request पे special recipe chicken tikka जो मैं आपको आज recipe जो है जिसकी बताने जा रही हूँ. तो इसके लिए जो चीजें चाहिए उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है. तो अभी Karen भी आपको बताएंगी और साथ में learn भी करेंगी कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है और इसके 8 पीसेस जो हैं हमने बनाए हैं. इगन चिकन 8조각 한 마리에 8조각을 가져왔습니다. जी, और इसमें सबसे स्पेशल चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो है टिक्का मसाला, जिसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. चाहिए उसमें है नमक, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, इसमें ब्लैक पेपर है, काली मिर्च और गरम मसाला जो मैंने हाफ स्पून लिए हैं, और गरम मसाला भी आप हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं. और इनमें है जी लेमन जूस, हमें लेमन जूस की ज़रूरत होती है. अगर लेमन जूस अवेलेबल ना हो तो आप इसमें लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक और चीज़, इसमें दही है जिसके साथ ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं जब ये ग्रिल में जाते हैं. और दूसरा ये कि इसके साथ आपके टिक्के जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, ग्रिल में जाके ये चिपकते नहीं हैं. इगन 소금이고 이건 고춧가루고요. 이건 칠리칩이고요. 이건 후추 그리고 이건 가람 마살라. 그리고 이건 레몬이 맛을까 보니까 없더라고요. 그것 때문에 준비한 라임. 다음에 그 다음에 요거트 반. 이거는 치킨 티카를 만들 때 정말 큰 역할을 하는 치킨 티카 마살라라는 것이에요. 네, 이름은 무엇인가요? 아메지야. 사촌동생입니다. 아메지야. Hello, 아메지야. 저희 첫 영상에 나왔던 애죠. जी, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें हम पीसेस लेंगे और इसमें गैशेस देंगे, थोड़े से डीप गैशेस देने हैं इस तरीके से. इससे ये है कि आपका जो मसाला आप तैयार करेंगे वो चिकन के अंदर तक जो है वो डिजॉल्व होगा. तो इस तरह से आपने इसको गैशेस देने हैं और ताकि आपका मसाला जो है वो ठीक तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो सके. तो आप जो बाकी पीसेस हैं उसको भी इस तरीके से गैशेस दे सकते हैं. हम एक खाली बॉल लेंगे, उसमें भी हम मसाला तैयार करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए. यहाँ पे 1/2 कप तेल मैंने ली है, इसको बॉल में डालेंगे हम. और हमारे साथ अमेजिया भी बना रहा है जी. अभी जितने हमने मसाले इसमें जो तैयारी की थी वो डालेंगे. अगर आप चाहें, अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं तो आप स्पाइसी भी इसको मज़ीद रख सकते हैं. सारे हम इसमें ऐड करेंगे. और टिक्का मसाला जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप हसबे जायका डालें. अगर आपको स्पाइसी के शौकीन हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जी. अभी हम इन मसालों को मिक्स करेंगे. हमने डाल कसम. हिस्सो कैरन इगो खारम गोए तो नोया दे. जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब आपके सारे मसाले इसमें देखें कि सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो अभी हम चिकन पीस लेंगे.
और अगर आप हाथ के साथ इसको मैग्नेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें मसाले जो हैं वो सारे अंदर तक जाने चाहिए। तो चेक कर लें अगर नमक कम है या आपको मिर्च कम लग रही है तो आप अपनी मर्जी से मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसको। जी अच्छे तरीके से इसको डिप करके अंदर तक मसाले जो हैं आप इसमें लगा दें और इस तरीके से आपने चिकन को सारे को मैरिनेट कर लेना है। ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसको इस तरह हमने ग्रिल पैन को सबसे पहले आप इसमें बेकिंग पेपर जो है वो लगा लें और उसके बाद ये जो चिकन है उसको हमने सारा मैरिनेट करके इस तरह तैयार कर लिया है। अभी ये ग्रिल ओवन है मेरे पास और इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है मैंने 10 मिनट पहले गर्म किया है और इसकी टाइमिंग जो है 45 मिनट्स में ही कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने 30 मिनट्स पे इसको लगाया है और अभी हम इसमें जो है अभी ये जो ग्रिल में हमने टिक्के लगाए थे वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको सर्व करने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और जो लेमन आपके पास अगर मौजूद है तो आप लेमन भी लगाकर इसको खा सकते हैं। इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू। 치킨이 다 완성되었습니다. 엄청 맛있어요. 그러면은 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 알림 설정까지 잊지 마시고 다음에 봐요.